हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने ऑल मोबाइल सॉल्यूशन से दो बैटरीज जो है ऑर्डर की थी। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था उनके ऊपर और बताया था कि सारे आईफोन की बैटरीज यहाँ पे मिलती है, ओरिजिनल है और सारे पार्ट्स भी वगैरह ओरिजिनल है, ये सब कुछ बोला था उन्होंने। और इसी बेस पे मैंने जो है दो बैटरी ऑर्डर की थी, एक आईफोन SE की और एक आईफोन 4S की। तो 4S की बैटरी का एक्चुअली कनेक्टर तो इसमें आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। मेन दिक्कत की बात वो नहीं है, दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। और मैंने जो है इस बैटरी को लगाने की कोशिश की थी जब ये फर्स्ट टाइम आई थी। सेकंड टाइम जब SE की बैटरी में भी एक दिक्कत है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फर्स्ट मैं 4S की बैटरी में क्या दिक्कत है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली कनेक्टर का इशू तो जो है वो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू इसमें जो था वो ये है कि बैटरी का साइज़ जो है बैटरी के जो कंपार्टमेंट है फ़ोन के अंदर उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा। बैटरी का कंपार्टमेंट छोटा है और बैटरी का साइज बड़ा है। तो अगर ओरिजिनल बैटरी अगर आईफोन 4S की होती तो ये बाकायदा फिट होती इस फ़ोन के अंदर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लगा के बताने वाला हूँ कि ये बैटरी जो है यहाँ पे फिट नहीं हो रही है फ़ोन के अंदर। और ऑल मोबाइल सॉल्यूशन का कहना है कि ये बैटरी जो है ओरिजिनल है और ये फ़िट होनी चाहिए, लेकिन ये फ़िट नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि ये बैटरी रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि कनेक्टर मेरी साइड से यानी कस्टमर की साइड से डैमेज होकर आया। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब बैटरी फ़िट नहीं हो रही है तो आपने बैटरी ही गलत भेजी है और बैटरी ओरिजिनल है ही नहीं। इस बात पे मैंने काफ़ी बहस भी की है लेकिन कोई मतलब नहीं रहा इसका। और जैसा कि उन्होंने वीडियो में भी बोला था कि हमारे पार्ट्स को आप जो एप्पल ऑथोराइज सेंटर में जाके चेक करवा सकते हैं, अगर वो जेन्यून नहीं है तो आपको हम रिप्लेस करेंगे। तो मैंने जो है एप्पल के ऑथोराइज सेंटर में जाके इसको चेक करवाया और उन्होंने बोला कि ये एकदम डुप्लिकेट है और इसका साइज भी जो है ओरिजिनल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बैटरी जो है उन्होंने डुप्लीकेट बेची है। और मैं सभी यूट्यूबर्स से यही अपील करना चाहता हूं कि फेक प्रमोशन ना करें किसी भी पार्टी का। इसमें एक्चुअल में नुकसान जो है व्यूअर का होता है, ना तो यूट्यूबर का होता है ना ही इन पार्टी का।